हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तीखा जायका। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पनीर पराठा की रेसिपी और उसके साथ में हम बनाएंगे तिल की चटनी। तो फ्रेंड चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए आइए हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमें जो इसमें पनीर पराठा के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ कि हम क्या क्या इसमें यूज़ करेंगे। ये मैंने पनीर ले लिया है 250। देख सकते हैं हमारा आटा बिल्कुल, अब हमारा जो आटा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूंगी। अब हम इसके बाद पनीर पराठे का स्टफ तैयार कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक बाउल ले लिया है। अब हम ग्रीट करेंगे ये हमारा पनीर। तो मैंने ये कद्दूकस ले लिया है, ये मेरा बारीक वाला है तो मैं इसी से करना पसंद करती हूँ। आपके घर में जो भी कद्दूकस हो आप उससे कद्दूकस कर लीजिए। तो चलिए हम इसे कद्दूकस करते हैं। फ्रेंड्स, पनीर हमारा बिल्कुल ग्रेट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए हमारे प्याज। ये हमारा धनिया पाउडर। यह है हमारा किचन किंग मसाला। हरी मिर्च, धनिया पत्ती, और ये हमारा नमक स्वाद अनुसार।
अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तैयार हो चुका है हमारा जो स्टफ है पनीर पराठा का, वो तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे पनीर पराठा के साथ में तिल की चटनी। तो चलिए देखिए उसे हम कैसे बनाएंगे। तो अब हम बनाएंगे तिल की चटनी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ले लिए हैं एक प्याज, ये एक टमाटर, चार हरी मिर्चें और ये हमारे धनिया, ये है हमारा तिल, ये मैंने 100 ग्राम दे दी थी, ये है अदरक का टुकड़ा, इसे मैं काट के डालूंगी ताकि ये अच्छे से पिस जाए, क्योंकि जब अगर ये मोटा रहता है तो ये हमारे मिक्सी जार में पिसता नहीं है, तो इसे मैंने काट के डाल लिया है। अब मैं इसको करूंगी ग्राइंड। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी। हमारी तिल की चटनी तैयार हो चुकी है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। आप ये देख सकते हैं हमारी जो चटनी है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी सबसे लास्ट में नमक। नमक हमारा स्वाद अनुसार रहेगा। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे पनीर पराठा। इसके लिए मैंने ले लिया है थोड़ा सा आटा और हम इस तरीके से इसका डो बना लेंगे और थोड़े सूखे आटे में इसको हम कर लेंगे रोल और इस तरीके से हम इसको प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से करता है, अच्छे से हम इसे प्रेस करके इस तरीके कर लेंगे और हम अब इसमें डालेंगे अपना पनीर का स्टफ। अब हम इसको कर लेंगे फोल्ड। ये देखिए इस तरीके से हम करेंगे इसे। देखिए हमारा बिल्कुल डो तैयार हो चुका है पनीर पराठा का। तब हम बनाएंगे पराठा। अब हम अपने पराठे को ले लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा इसमें हम सूखा आटा लगाएंगे। ये हमारा पराठा हो चुका है तैयार। अब हम इसे तवे पे सेकेंगे। आइए देख लेते कैसे सेकेंगे। मैंने तवा रख दिया है गर्म करने के लिए, इसे हम गर्म होने देंगे। एक साइड से हमारा पराठा बिल्कुल सिक चुका है। अब मैं इसको दूसरी साइड से भी सेक लूंगी। आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी हमारा पराठा सिक चुका है। तो इसमें मैं थोड़ा सा लगाऊंगी अब ऑयल। अब हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। दूसरी साइड से भी हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। तो ये हमारा पराठा तैयार हो चुका है। ऐसे ही मैं और भी पराठे बना लूंगी। हमारे जो पनीर के पराठे हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। आप भी अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए पनीर पराठा और तिल की चटनी की रेसिपी। एंड हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।